हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोनू सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है बच्चों। क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बच्चों 3.5, ठीक, क्लास टेंथ की। तो इससे क्या होगा, कम से कम आपको एक सुकून रहेगा कि हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हो गए। और सबसे ज्यादा बच्चों दिक्कत आती है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी लेके बैठे हैं हम लोग बच्चों, ठीक है, कराए चलो करें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 3.5 में, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, अब पार्ट ऑफ द मंथली होस्टेज आते हैं। सबसे पहले बेटा लैंग्वेज प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ें। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है, और वो दिक्कत इसलिए रहती है क्योंकि वो लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ते नहीं है। दिक्कत तो ये है, तो इस दिक्कत से निकलने के लिए आपको एक दिक्कत करनी पड़ेगी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है बच्चों, एक अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। हॉस्टल में पर्टिकुलर आप जब रहते हैं तो वहाँ का चार्जेस फिक्स्ड है। और बाकी दूसरा चीज ये है, रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज हैज टेकन द फूड। आपका बाकी दूसरा चार्जेस पे डिपेंड करता है आपने मेस में कितने दिन खाना खाया है, ठीक है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे ₹1000। अगर कोई व्यक्ति वहां पे खाना खाता है 20 दिन तक लगातार, तो उसको अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 1000 एज अ हॉस्टल चार्ज, ठीक। वेयर अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे अमाउंट 1180 एज अ हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि फिक्स चार्ज बताओ और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बताओ। तो हम लोग बेटा इसमें सिंपल सी बात करते हैं, यहां लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4। मैंने बच्चे यहां पर लिखा सिंपल सा, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज, कितना बच्चों एक्स हो गया, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज वाई, ठीक है बच्चों। मान लिया आप खुद हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हॉस्टल में रहने का चार्ज तो फिक्स हो गया, बाकी आप मैस में जितने दिन खाना खाएंगे उसका चार्ज अलग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे खाना खाने का वाला जो चार्ज है वो रुपीज वाई है। आप एक दिन खाना खाते हैं तो वाई रुपीज लगेगा, ठीक है। दो दिन खाओगे तो 2y, तीन दिन खाओगे तो 3y, 10 दिन खाओगे तो 10y, ठीक है। और ये तो चार्ज फिक्स है आपका हॉस्टल में रुकने का। अब यहाँ पर केस वन फर्स्ट अगर हम लोग देखें बच्चों, केस फर्स्ट हमारा क्या कहता है, केस फर्स्ट और ये लिख लेता हूँ बच्चों केस सेकंड, ठीक है। केस फर्स्ट और केस सेकंड लिखने का फायदा ये है कि आप लॉयर बन जाते हैं उससे, पहला केस दूसरा केस, ठीक। तो पहला केस क्या कह रहा है बच्चों, पहला ये केस कह रहा है कि एक स्टूडेंट था ए, थी टेक्स फूड फॉर 20 डेज। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड कितने दिन, फॉर 20 डेज, ठीक। एंड स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 डेज, ठीक हो चुका है 26 से, ठीक। तो देखो यार, जब 20 डेज उसने फूड मैस में खाया, पहली चीज देखना यार आप लोग सिंपल सा। तो एक चीज देखो, पहली बात तो जब वो हॉस्टल में रह रही है, हॉस्टल में रहने का चार्ज बच्चों एक्स, फिर एक दिन के खाने का चार्ज है रुपीज वाई, उसने 20 दिन खाना खाया है तो उसका चार्ज मिल गया 20y, कितना अमाउंट पे किया उसने 1000। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप हॉस्टल में रह रहे हो, वहाँ पे मैस में खाना खा रहे हो, मैस में खाना खाने का पर डे का चार्ज लग रहा है रुपीज वाई, आपने 20 दिन खाना खाया तो आपका चार्ज कितना हो गया 20y, और आपको रहने का चार्ज भी देना पड़ रहा है तो वो फिक्स चार्ज है, दैट इज एक्स। टोटल मिला के अमाउंट कितना आपने पे किया, 1000 रुपये। अब मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट है बी, उसने कितने दिन खाना खाया, 26 दिन, तो हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स है, वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस आपने 26 दिन जो खाना खाया उसका चार्ज जोड़ दोगे तो एक दिन खाना खाने का चार्ज है ₹2, तो 26 दिन खाने का कितना होगा 26y, कितना पे करना पड़ेगा बच्चों 1180। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। मेन कंडीशन बस ये बेटा, इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको। इसके बाद सिंपल प्रोसीजर आप सभी जानते हो, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000 एंड एक्स प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180। आप दोनों इक्वेशन क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे हम लोग।
सिंपली सॉल्व करते हैं हम लोग, दोनों में एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं बच्चों, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, 20 में से 26 जाएंगे बच्चों, माइनस 6, ये माइनस का 180, नेगेटिव बच्चों नेगेटिव गया, देन वाई इज इक्वल टू आ गया 30, यानी कि पर डे का जो चार्ज है खाना खाने का मैस में वो कितना है बच्चों, रुपीज 30। अब इसको उठा के पुट कर दो बच्चों किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस 20y, y की जगह बच्चों 30 रखा, इज इक्वल टू 1000, तो x प्लस 600 इज इक्वल टू बच्चों हो गया 1000, एंड x इज इक्वल टू हो गया 400, ठीक है। तो यानी कि फिक्स जो चार्ज है होस्टल में रहने का वो है 400 रुपये, और पर डे का खाने का चार्ज कितना है बच्चों, ₹30। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या होता है, खत्म, सिंपल क्वेश्चन था, खुद को इमेजिन करके चलोगे तो और अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा आपको। हटा दे बच्चों इसको, इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे मैंने कराया बिल्कुल वैसे ही केस लेके चलना, और जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, बी टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसके नीचे वो लेके चले, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट, ठीक है। इसको नोट कर लें बच्चों अच्छे तरीके से, कम से कम यहाँ से आपको सहूलियत होगी कि हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो खत्म हो गए, सबसे दिक्कत बच्चों किसमें होती है, लैंग्वेज वालों में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। पार्ट सेकंड पे आते हैं बच्चों हम लोग, पार्ट सेकंड क्या कहता है हमारा, आसान है। अब फ्रैक्शन बिकम्स, मैंने आप लोगों से बोला था बच्चों जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए आपको तो कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन हमेशा होता है x अपॉन y की फॉर्म में, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y। तो बच्चों ये बता देना जब न्यूमरेटर x माना और डिनोमिनेटर y माना तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, x अपॉन y, बोले कोई डाउट किसी बच्चे को। अब देखो बच्चों यहाँ केस लेते हैं हम, इसको लिख दो बच्चों, इससे क्या बन जाओगे आप लोग, लॉयर बन जाओगे, केस फर्स्ट हो गया आपका, केस सेकंड हो गया आपका बच्चों, ठीक है। केस फर्स्ट और केस सेकंड बच्चों क्या कह रहा है, केस फर्स्ट ये कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन हो जाता है 1/2, कब हो जाता है, व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब वन सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यहाँ पर क्या बच्चों x, इसमें से क्या माइनस किया वन, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया है ना, दैट इज y, x माइनस y, x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/2, इस 2 को बच्चों इधर ले जाओ तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x-2, ये y बच्चों इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y, एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं, देन 2x-y बराबर हो गया बच्चों 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर बच्चों कौन सी होगी फर्स्ट, गॉट इट। केस सेकंड में बच्चों बात करते हैं, देखो जो जो दे रखा हो, कई बार दे रखा होगा न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर ऐड कर दो नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो, जो नंबर बोला जाए 2 हो रहा है तो 2 ऐड करो, नीचे सब्ट्रैक्ट 3 हो रहा है तो 3 कर दो, सिंपल सी बात, जो दे रखा हो वो कर दो, इसके अंदर और कोई हेडेक है ही नहीं। फिर क्या बोला बच्चों, एंड इट बिकम्स 1/4, अब हमारा फ्रैक्शन हो गया बच्चों 1/4, देन 1/4 आपका कब होता है, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर की तो कोई बात की नहीं गई है बच्चों, तो न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया गया बच्चों 8 ऐड किया गया, क्यों हो गया, इस 4 को बच्चों ले जाओगे तो 4x हो गया, इस y प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे y प्लस 8 होगा बच्चों, इसको इधर लेके आते हैं, देन 4x माइनस का y इज इक्वल टू हो गया बच्चों 8, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर बच्चों कौन सी हो गई सेकंड। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं एलिमिनेशन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों, तो 2x माइनस का y बराबर हो गया बच्चों 2, एंड 4x माइनस का y बराबर हो गया बच्चों 8, ठीक। सिंप्लीफाई करेंगे इसको बाय एलिमिनेशन मेथड बच्चों, y का कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन चेंज करने के लिए साइन चेंज किया बच्चों मैंने, जो साइन चेंज होता है वो मायने रखता है, उसके बाद y से बच्चों ये कट जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, प्लस 2 माइनस 4 बच्चों दैट इज माइनस का 2x, 2 माइनस 8 बच्चों कितना हो गया माइनस 6, इसको काटूंगा बच्चों कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3। अब ये वाली वैल्यू उठा के किसी भी क्वेश्चन पर कर दो जिस पे आपका मन करे, नाउ पुट इन फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से गोला लगा के लिखना, मतलब क्या इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे 2 इंटू पहली इक्वेशन बच्चों ये थी हमारी, यहाँ पुट कर रहे हैं 2 इंटू 3 माइनस का वाई इज इक्वल टू 2, देन 2 3 या 6 इसको बच्चों इधर लेके आओ, 6 माइनस 2 बराबर वाई,
देन 4 इज इक्वल टू हो गया y, इसको ऐसे लिख दूं y इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 4, ठीक है, y इक्वल टू 4 आ गया, x आ गया बच्चों 3, y बराबर हो गया 4, तो बच्चों फ्रैक्शन आप बता दो फटाफट, फ्रैक्शन कितना होगा आपका x अपॉन y, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है बच्चों 4, तो फ्रैक्शन रहा होगा बच्चों हमारा 3/4, ये होगा इसका फाइनल आंसर। बोले कोई डाउट किसी को? अब खुद देख लो आप इस कंडीशन रखो, डिनोमिनेटर में से एक जाएगा 3-1 दैट इज 2 अपॉन 2/4 दैट इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/2, क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहां डिनोमिनेटर सेम ही है, नीचे वाले में 8 ऐड किया तो 8+4 बच्चों 12, 3/12 दैट इज इक्वल टू 1/4, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल क्या है परफेक्ट, गॉट इट, हटा दें इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लें, धीरे धीरे करो समझ समझ के आराम से सब कुछ चीजें होंगी। लेक्चर बनाने का पर्पस ही ये है, कल को बच्चों मान लो दिक्कत आती है तो आप लेक्चर कभी देख सकते हो, सिंपल कौन सा है क्लासेस चैनल पे जाके, ठीक है, आपको कोई हेडेक नहीं होगी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, इसका 3rd पार्ट, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यश के कितने मार्क्स आते हैं बच्चों 40 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, जितने भी राइट आंसर उसने करे हैं क्वेश्चन, जितने भी राइट हैं उसमें से, उसमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं हर एक राइट आंसर के लिए, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ बोला जा रहा हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, then Yash would have scored 50 marks, how many questions were there in the test, कितने questions थे हमारे test के अंदर, आप लोगों से ये पूछा है, ठीक है, तो देखो यार मान लीजिए let the number of right answer, जो उसने right answer किए हैं ऐसे कितने questions थे हमारे पास x, and the let the number of wrong answer, ठीक है, जितने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं वो कितने हैं y, पहले नंबर पे क्या बोल रहा है यश ने स्कोर किया है बच्चों, मैं सीधे डायरेक्ट कंडीशन लिखूं केस फर्स्ट या केस सेकंड करके लिखूं क्या, चलो केस फर्स्ट लिख लेते हैं, अच्छा लगता है केस फर्स्ट, मैंने यहाँ लिखा यश ने कितने हर एक राइट आंसर के लिए उसको मार्क्स अवार्ड किया था 3, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए उसने राइट वाले कितने आंसर किए 3x किए उनके लिए अटेम्प्ट होगा 3x, रॉन्ग कितने किए बच्चों y, हर एक रॉन्ग पे 1 मार्क्स जा रहा था तो माइनस का वाई इज इक्वल टू कितने मार्क्स आए उसके 40 मार्क्स आए, किसी बच्चों ने देखा यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ गया सर, बेटा ये बताओ राइट माइनस रॉन्ग दैट इज तभी तो नंबर आएंगे आपके, तो 3 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो लूज हो रहा है, लूज मतलब माइनस में जा रहा है, तो राइट आंसर में से रॉन्ग आंसर जब माइनस करूंगा तभी तो उसके मार्क्स आएंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1st, ठीक है। केस सेकंड के अंदर बच्चों बात करता हूँ मैं, केस सेकंड के अंदर इसको हटा देते हैं, केस केस ये डायरेक्ट लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हटा, क्योंकि यहाँ कंडीशन राइट हैंड बन रही है ना, दूसरे में क्या बोल रहा है 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड फॉर ईच राइट आंसर, अब यहाँ पे राइट आंसर मान लो उसने एक्स अटेम्प्ट किए उसके लिए मार्क्स मिल रहे हैं 4 और हर एक रॉन्ग के लिए उसको मार्क्स मिल रहा है 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तब उसने स्कोर किया बच्चों 50 मार्क्स, अब लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से, अब इसके बाद क्या किया हर एक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं एंड लूजिंग 2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मान लो रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट किए y तो हर एक के लिए कितने मार्क्स जा रहे हैं 2, तो राइट में से रॉन्ग जाएंगे तो उसके मार्क्स कितने आ गए 50, अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो सभी के सभी पर्टिकुलर नंबर्स किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, और मैंने आप लोगों से कहा था कि कभी भी लीनियर इक्वेशन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ पर सभी में 2 कॉमन है, तो बेटा मैंने इसको लिख दिया अगले स्टेप में बच्चों क्या डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2x, यहाँ पे y और ये हो जाएगा बच्चों 25, अब इसको बोला मैंने क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सी सेकंड, अब रिजॉल्व कर लेंगे मैं सिंपल नाउ, इसके बाद आप जानते हैं बच्चों इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, पहली क्वेश्चन थी बच्चों मेरी 3x-y = 40, दूसरी क्वेश्चन थी बच्चों 2x-y = 25, आपको बस इक्वेशन बनाना मेन है बच्चों, तो जब इक्वेशन नहीं बनी तो ये मान लो कि रायता फैल जाएगा फिर, तो फिर सारा काम कर देगा एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हर बच्चों को मेथड आते हैं, दिक्कत आती है इक्वेशन बनाने में, तो आप तरीके समझो
सही है, आपके पास नेट है, सब कुछ है, आराम से चलाते चलो, देखते चलो, पहले दो बार देखो, तीसरी बार नोट करो, सब आएगा, क्यों नहीं आएगा? आपको पता है दोनों का साइन चेंज सेम ही है, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव। यहाँ से ये कट गया, 3x में से 2x जाएगा बच्चों x आएगा, 40 में से 25 जाएगा बच्चों कितना आ गया 15, गॉट इट? ठीक। इसके बाद नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, देन 2x इज 15 माइनस y इज इक्वल्स टू 25, यहाँ पे 30 माइनस का 25, इस y को उधर ले गए बच्चों, देन y बराबर हो गया बच्चों 5, यानी कि कुल मिला के उसने राइट आंसर कितने दिए बच्चों 15, रॉन्ग आंसर कितने दिए 5। आप क्रॉस चेक खुद कर लो, यहाँ पर खुद क्रॉस चेक करोगे जवाब तो देख लो यार, पहली वाली कंडीशन में 3 मार्क्स अवॉर्ड किए थे राइट के लिए, तो 15 राइट क्वेश्चन किए थे, तो 3 × 14 15 कितना होगा 45, रॉन्ग कितने बच्चों 5, कितना आ गया आंसर 40। दूसरे में देख लो 4 कितने अटेम्प्ट किए थे राइट 15, रॉन्ग कितने बच्चों 5, उनके लिए मार्क्स कितने 2 रहे 2, 15 × 4 = 60 × 2 = 10 = 50, मतलब आपका आंसर बिल्कुल क्या है सही। तो यहाँ पे राइट आंसर किए कितने 15 और रॉन्ग कितने किए बच्चों 5। अब मैं आपसे पूछूं टोटल क्वेश्चन बच्चों कितने होंगे, तो आप बोल देंगे राइट प्लस रॉन्ग दैट इज 15 + 5 = कितना हो गया 20, ये इसका आंसर होगा, गॉट इट? तो नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, राइट आंसर जितने उतने दिए, उसको बोलते कितने क्वेश्चन 15 और रॉन्ग कितने थे 5, गॉट इट? ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार है, सिंपल है, बस कंडीशन बनाना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों ये थर्ड पार्ट भी हमारा क्या हो गया खत्म। अब फोर्थ पार्ट का, फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से कराते हैं, तसल्ली से, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आए, ठीक है? वैसे एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, तो आपको टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट इन अ हाईवे, ऑन अ हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक हाईवे पे पर्टिकुलर डिस्टेंस दे रखा है दो पॉइंटों के बीच में, दैट इज 100 किलोमीटर, ठीक है? आप इन क्वेश्चन पढ़े जा रहा फटाफट, तब तक हम लोग थोड़ा सा कुछ जल ले लें बेटा। फिर क्या बोला रहा बच्चों, द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की दोनों कार स्टार्ट हो रही है पर्टिकुलर सेम टाइम पे और दोनों मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में और डिफरेंट स्पीड है, दे मीट इन 5 आवर। If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? आपसे स्पीड पूछी जा रही दोनों कार की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है इसका, ये क्वेश्चन नंबर है फोर्थ पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो पहली बात तो सिंपल, आप कंडीशन देखो, ठीक है? जैसे अगर मैं कराते चला हूँ वो कंडीशन देखनी है आप, ये मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है ए, इसको बीच में पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे बी, ये आपके दो पॉइंट है हाईवे, ठीक है? एक कार बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और एक कार बच्चों आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है लंबरगिनी, ठीक? सपोज हम लोग करते थे इस कार की जो स्पीड है वो है एक्स किलोमीटर पर आवर, इस कार की स्पीड है बच्चों वाई, ठीक? दोनों के बीच में बच्चों दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, ठीक है? ए और बी के बीच की दूरी, पहला केस बच्चों ये है दे मूव इन सेम डायरेक्शन, ठीक? अब जब सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रही होगी तो हो सकता है दोनों की दोनों गाड़ी इस डायरेक्शन में जाए या दोनों की दोनों गाड़ी इस डायरेक्शन में जाए, तो आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। तो मैंने माना कि मान लो ये गाड़ी भी यहाँ जा रही है और ये वाली गाड़ी भी यहाँ ही मूव कर रही है, तो मैंने बोला कि ये दोनों गाड़ियाँ जाके आगे कहीं एक पॉइंट होगा सी, यहाँ पे जाके मिल रही होंगी, आप कंसेप्ट सोचते चलो उसके बाद। तो मैंने ये बोला कि जब दोनों की दोनों गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, ये एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ये वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसका डायरेक्शन बच्चों का है आगे, इसका डायरेक्शन भी कहा है आगे, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट भी आगे ही होगा जहां जाके ये दोनों मिलेंगे, है कि नहीं? और दोनों की डिफरेंट स्पीड है, ये फुल स्पीड से चला रहा होगा, कम स्पीड से चला रहा होगा, तो यहाँ जाके एक पॉइंट होगा सी, जहां पे जाके दोनों के दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है बच्चों 100 किलोमीटर आवर। अब देखो यार
तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड लेट द स्पीड ऑफ कार बी वाई किलोमीटर पर आवर। पहले वाले की मैंने स्पीड क्या मान ली, दैट इज एक्स किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाले की स्पीड क्या मान ली, वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों क्वेश्चन डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, 100। दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं आगे जाके एक पॉइंट होगा सी, जहां पे जाके दोनों मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए ना, अब एक चीज देखो बच्चों, आप बचपन से ये जानते हो कि स्पीड बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है। तो बच्चों यहां से जब मैं निकालूं तो डिस्टेंस बराबर क्या निकल के आएगा, स्पीड इनटू टाइम आएगा। अब ये दोनों की दोनों गाड़ियां मिलती है यहां जाके, कितने घंटे बाद मिलती है, दे मीट इन 5 आवर्स। तो जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही है तो टाइम कितना लग रहा है बच्चों इनको, 5 घंटे लग रहा है। अब एक चीज सुनता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए और नीचे में लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी। तो आप जानते हो कि डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। पहले वाली गाड़ी की हमें स्पीड कितनी है बच्चों, एक्स, कितने समय बाद मिल रही है, 5 घंटे लग रहे हैं उसको, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा उसने, टाइम 5 और स्पीड एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 5x। पहले वाली कार की देखो ना, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, पहले वाली गाड़ी की स्पीड है एक्स, टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे में, 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, दैट इज 5x। तो टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ए इज 5x। और दूसरे वाले की बात करूं तो स्पीड कितनी है बच्चों, वाई, उसको भी टाइम कितना लग रहा है 5, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 5y। तो दूसरे वाले ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया बच्चों, 5y। ये कंडीशन थी, ठीक है, रख दो उसको। अब एक चीज और, इसको हटा दो, आप बना देना, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, मेरे पास स्पेस उतना नहीं है इसलिए मुझे हटानी पड़ती है यहाँ पे नंबर गिनिंग की वाली। अब देखो यार, इसे यहां से लेके सी तक पहुंचने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, 5x। बी ने यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, 5y, ठीक है। अब खुद देखो आप लोग, पर्टिकुलर केस फर्स्ट चल रहा है हमारा, कौन सा केस है बच्चों, केस फर्स्ट है हमारा। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा अगर लिखता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने यहाँ देखा 100 किलोमीटर प्लस, देखो ए बी प्लस बी सी बराबर किसके होगा, ए सी, ए तो होगा, मैंने क्या लिखा बच्चों, ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के, ए बी है 100, बी सी डिस्टेंस कितना आ गया 5y, बराबर क्या हो गया बच्चों 5x। इसको उधर ले जाओ, 100 बराबर हो गया 5x माइनस का 5y, सभी में क्या कॉमन है बच्चों 5, तो ये डिवाइड कर दो 5 से, इसको ऐसे लिख लो बच्चों x माइनस y बराबर 20, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे बनी है बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर, कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे बनेगी आपकी। तो ये 100 किलोमीटर प्लस बी सी एम की वाई, ये दोनों डिस्टेंस मिला के आपका किसके बराबर है, ए सी के, दैट इज इक्वल टू 5x। वो कंडीशन मैंने अप्लाई करी, आपका आंसर आ गया x माइनस y बराबर 20, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मैं साइड से लिख दूं, फिर मैं भूल ना जाऊंगा आपका, x माइनस y बराबर 20, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद देखें दूसरा केस देखते हैं बच्चों, ये तो केस फर्स्ट था, केस सेकंड देखते हैं हम लोग। इस समय था सेम डायरेक्शन, अब केस सेकंड के अंदर बोल दिया बच्चों अपोजिट डायरेक्शन, इफ दे ट्रेवल इन द अपोजिट क्या डायरेक्शन, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, अब ये गाड़ी यहां से जा रही है, ये गाड़ी यहां जा रही है, तो कहीं ना कहीं जाके बीच में मिलेगी बच्चों, बी पॉइंट होगा सी, बोलो हाँ ना। जब तुम यहाँ जा रहे हो वो सामने से आ रहा है, दे मीट इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बीच में एक पॉइंट होगा जहां जाके मिलेंगे। अब सिंपल है, अब जब मिल रहे हैं तो उस समय जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर है, अब क्या होगा टाइम की जगह बच्चों कितना होगा यहाँ पे 1 आवर। सेम कंडीशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ए, उसकी स्पीड है x, इसकी स्पीड है y, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, टाइम लग रहा है 1 आवर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों x इंटू 1 यहां से यहां तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों वो कितना है x, और यहां से यहां तक
बी ने जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करी है वो डिस्टेंस है बच्चों वाई। अब 30 सेकंड के अंदर है बेटा, तो यहाँ अगर आप देखें सिंपल सा इस कंडीशन बता दूं, अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब आप देखोगे ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मिलके क्या बन रहा है आपका 100। अब कंडीशन क्या होगी बच्चों, ए सी प्लस बी सी बराबर हो गया ए बी, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया बच्चों 100। जैसे इक्वेशन नंबर से ऐसे बनी थी आपकी इक्वेशन। तो मेन कंडीशन जो थी वो इसके अंदर की बच्चों की थ्योरी समझना था, मेन चीज ये थी, ठीक है, कि कैसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, से अपोजिट सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी। तो ये आपकी इक्वेशन अगर लाइक, अब सिंपल है इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, आपकी इक्वेशन में डायग्राम आपको दे रखा है, क्वेश्चन जब भी चेंज होगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा दोनों पॉइंटों के बीच में, या पर्टिकुलर उनके बीच का टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल क्या है सेम। आपको स्पीड फाइंड आउट करनी थी, आपके पास देख लेते हैं, आपने पहली क्वेश्चन बच्चों थी x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरी क्वेश्चन थी बच्चों x प्लस वाई बराबर 100। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, 2x बराबर बच्चों कितना हो गया 120, x बराबर हो गया बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, x बराबर 60 लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे हम लोग। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, x प्लस वाई बराबर 100, x की जगह 60 प्लस y बराबर 100 एंड y बराबर बच्चों कितना हो गया 40, ठीक है। तो लास्ट सिस्टम में आपको क्या लिखेंगे सिंपल सा, स्पीड ऑफ कार a इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार b 40 किलोमीटर पर आवर, ये इसका बच्चों आंसर आएगा फाइनल। आया सर कैसा क्वेश्चन था, शानदार है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, छोटे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड में, हटा दें इसको, नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अभी लगता है इसमें बच्चों आखिरी क्वेश्चन है वो हमें करना है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग ये वाली एक्सरसाइज के लैंग्वेज सुनने वाले जितने क्वेश्चन हो सबके सबके हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन के लिए रखे बच्चों, वो भी कर लेते हैं हम लोग। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, ये है बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट। आप देखो सिंपल सा बच्चों, रेक्टेंगल जब भी बनाओ ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, होती तो बच्चों जो एरिया आता है इसका वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। कल को मान लो मैं इस रेक्टेंगल की लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान ले बच्चों x, यस सर, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी बच्चों क्या मान लिया y, यस सर, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहां से अगर देखा जाए तो आपको पता है कि एरिया कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ व्हिच इज इक्वल टू हो गया बच्चों x y, ठीक। अब केस फर्स्ट देख लेते हैं बच्चों, लॉयर बन जाते हैं यहां से। केस फर्स्ट बच्चों क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया देखो यार, एरिया आपका था एक्स वाई, रिड्यूस मतलब माइनस हो रहा है, इंक्रीज मतलब प्लस कर देंगे यहाँ पर, कब हो रहा है जब आपकी लेंथ रिड्यूस होती है कितनी 5 यूनिट, तो लेंथ बच्चों यहाँ पे क्या बनी मैंने एक्स मीटर, तो रिड्यूस हो रही है मतलब यानी कि पहले एक्स थी अब कितनी होगी एक्स माइनस 5, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यानी कि वाई प्लस 3। यहाँ देखो ये बच्चों लेंथ आपकी, ये क्या बच्चों आपकी लेंथ और ये क्या बच्चों ब्रेथ, आपसे बोला गया एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, कब हो रहा है जब लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, तो लेंथ पर 5 कम कर दो ब्रेथ पर 3 बढ़ा दो, बस सिंपल केस ये रहा आपका। अब क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन निकालोगे यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों एक्स वाई माइनस का 9 व्हिच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों आएगा एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15, xy से xy बच्चों कैंसिल आउट हो गया, एक काम करते हैं इसको यहाँ लिख लो माइनस का ये हो जाएगा बच्चों 6 एंड 3x माइनस का 5y, एक काम करते हैं इसको पलट देते हैं 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 6, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना तो तभी लोगे माइनस 15 को उधर ले जाके माइनस 15 उधर जाके क्या 15 15 में लाएंगे इज इक्वल टू 6, ये 3x ये 5y, इसको मैं उठा के यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ये आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। साइड से लिखूँ ऊपर जिससे भूल ना जाए, 3x माइनस 5y बराबर बच्चों हो गया 6, ये था बच्चों पहला वाला केस।
दूसरे वाले केस के बच्चों बात करें हम लोग, केस सेकंड, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं हमेशा, इसमें रिड्यूस हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, बाकी और कोई चेंज नहीं आता इसके अंदर। दूसरा केस क्या कहता है बच्चों हमारा, पढ़िए फटाफट। दूसरा ये केस कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, आप देखो ऐसे अगर लेंथ को हम बढ़ा देते हैं 3, केस सेकंड, एक्स प्लस 3 हो गया एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय, नहीं इंक्रीज ही हो रहा है बच्चों दोनों, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, ब्रेथ को बच्चों 2 बढ़ा दिया हमने, तो आपका जो एरिया है वो एक्स वाई था पहले, वो कितना यूनिट बढ़ गया, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। मेन कंडीशन बच्चों ये बना, एक्स वाई से एक्स वाई बच्चों कैंसिल आउट, 2x प्लस 3y 67 में से प्लस 6 जाएगा कितना बचेगा 61 बचेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर बच्चों कौन सी होगी सेकंड। तो ये आ गया 2x प्लस 3y 6 को बेटा उतार लेंगे 61 हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन होगी बच्चों सेकंड। इसके बाद बच्चा बच्चा जानता है हमारा कैसे करना है, तो सिंपल है, इसको बेटा हटा दो, ठीक आपकी इक्वेशन आएगी बच्चों यहाँ पर 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन थी बच्चों 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 61। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आप चाहे तो कैसे कर लो, एक काम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों सेम। अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया आफ्टर मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 बच्चों कितना हो जाएगा 6x, 2 5 जब बच्चों कितना हो गया 10y और 2 6 जब कितना हो गया 12, 3 से करोगे 6x, 3 3 या 9 और 3 6 जब 18 मान 83। अब साइन बच्चों यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, दोनों कोएफिशिएंट सेम है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो साइन दे रखा होता है उसका अपोजिट लिखते हैं, नेगेटिव दे रखा तो क्या लिखते हैं पॉजिटिव, माइनस 10 माइनस 19 ये कितना हो जाएगा माइनस 10 19y ये कितना हो जाएगा 183, वैसे 12 चले जाएंगे हमारे तो एक तो 171, ठीक है। इसको जब काटोगे आप तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 19 9 जा कितना हो जाएगा बच्चों 171। अब इसके बाद आपका ये क्या हुआ, ये नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने, इसको हटा दें। चलिए इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, आप जो वैल्यू निकलती थी उसको किसी एक इक्वेशन पुट करते थे, ये आपकी थी इक्वेशन नंबर कौन सी थी फर्स्ट, ये इक्वेशन कौन सी थी सेकंड, यही था ना बच्चों, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर किसे पुट करते बच्चों, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो 3x 5y की जगह बच्चों 9 इज इक्वल्स टू 6, 3x 59 या 45 इज इक्वल्स टू 6, 51 हो जाएगा बच्चों 17, 3 का कितना होता है बच्चों 51, एक्स बराबर कितना आ गया 17। कुल मिला के फाइनल आपका रिजल्ट आ गया, लेंथ कितनी निकल के आ गई बच्चों हमारी 17 मीटर और ब्रेथ कितनी निकल के आ गई बच्चों 9 मीटर। और यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, खत्म होती है। तो जितने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए अच्छे तरीके से, देखिएगा ठीक है, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।